गर्भवती बहू वर्सेस गर्भवती बेटी। माया अपनी बेटी काव्या के लिए गोंद के लड्डू बनाते हुए कहती है, मेरी बेटी काव्या आएगी तो उसे ये ढेर सारे गोंद के लड्डू दे दूंगी, उसे और उसके बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। वो जो भी बोलेगी ना, मैं तो वही बना दूंगी, आखिर मैं नानी जो बनने वाली हूँ। ओहो, ये मेरे मेवे कहाँ गए? कहीं वो नास पीटी तो मेवे नहीं खा गई? मनीषा, अरे ओ मनीषा, मेरे मेवे कहाँ हैं? सास की आवाज सुन 6 महीने की गर्भवती मनीषा बहू आकर कहती है, जी माँ जी, कहिए। अरे मैं क्या पागल हूँ, कब से बोल रही हूँ मेवे कहाँ हैं? मुझे काव्या के लिए गोंद के लड्डू बनाने हैं, उसे इन लड्डू की सख्त जरूरत है, डिलीवरी में यही काम आएगा। तूने खा लिया है सारे? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वहीं पर ही रखे हैं, मैं आपको लाकर देती हूँ। ऐसा कहकर मनीषा मेवे का डब्बा माया को निकाल कर दे देती है। तभी घर पर बेल बजती है, जहां माया का दामाद विवेक उसकी बेटी को घर पर छोड़ने आता है और उसके पैर छूकर कहता है, नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? देखिए, ले आया आपकी बेटी को, आपका बड़ा मन था और इसने भी मुझे पागल कर दिया था कि मुझे अपने मायके जाना है, मायके जाना है। मैं आपके मायके में अपने बच्चे को जन्म दूंगी, मुझे माँ के पास रहना है, परेशानी कर दिया इन्होंने। हाँ हाँ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी तो किसे करूंगी, और वैसे भी भाभी जितना ही मेरा महीना चल रहा है तो मैं तो माँ के पास रहूंगी ना, मेरा मन था। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने दामाद जी, अच्छा हुआ जो आप यहाँ ले आए, अभी अभी मैंने इसके लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं। ए मनीषा बहू, जा मेरी बेटी के लिए गोंद के लड्डू और दामाद जी के लिए शरबत ले आ। जी माँ जी। अरे माँ जी, आप भाभी जी से काम करने को क्यों कह रही हैं? आखिर वो भी गर्भवती है, उन्हें आराम करने दीजिए, आप कहें तो मैं लेकर आ जाता हूँ, आप बैठकर बातें कीजिए। अरे अरे दामाद जी, आप मुझ पर पाप चढ़वाएंगे क्या? आप यहीं बैठो, ये ले आएगी, मनीषा फुर्तीली है और वैसे भी गर्भवती में इतने काम तो करने ही चाहिए। हाँ हाँ भाई साहब, आप चिंता मत कीजिए, बैठिए मैं आती हूँ। बेचारी मनीषा बहू, थकावट तो उसे भी थी, लेकिन वो रसोई से अपनी सास के बनाए हुए गोंद के लड्डू और दामाद के लिए शरबत बनाकर ले आती है, जिसके बाद वह सब बड़े मजे से खाते पीते हैं। भाई साहब, नंद जी, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप बैठिए, ऐसे समय में ज्यादा काम मत कीजिए। हाँ हाँ भाभी, आप भी थक गई होंगी। अरे बेटा, लड्डू खाकर तो बता कैसे बने हैं। माँ, बहुत अच्छे लड्डू बनाए हैं आपने, भाभी आप भी लो ना। अरे ये सब देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं तेरे लिए कर रही हूँ, अगर इसकी माँ को इसकी फिक्र होती तो इसके लिए कुछ बनाकर भेज देती, चुपचाप तू ही खा। अरे माँ, ऐसा भी मत कीजिए। अरे दामाद जी, जरा अनार का जूस ला दीजिए, ये भी पी लेगी। बता बेटा, तू क्या खाएगी, मैं तेरे लिए वही बना दूंगी, जो भी तेरा मन होगा। माँ, आप मेरे लिए पनीर टिक्का बनवा दो, मेरा वो बहुत खाने का मन है, मैं इनसे बाहर का मंगवाती हूँ तो मुझे पसंद ही नहीं आता। हाँ माँ जी, ये बात तो ठीक है, मैं ले आता हूँ। भाभी आप भी बता दीजिए, आपका क्या खाने का मन है, मैं वो भी ले आऊंगा बाहर से। भाई साहब मेरा ना, मनीषा कुछ कहती है उससे पहले माया कह देती है, अरे दामाद जी, इसने तो अभी अभी खाना खाया है, इसका पेट भरा है, ये क्या खाएगी, आप काव्या के लिए जूस ले आओ बस। ठीक है माँ जी। ऐसा कहकर विवेक बाहर से जूस लेने के लिए चला जाता है। वही सबकी बातें सुनकर मनीषा रोते हुए कमरे में जाकर कहती है, पता नहीं माँ जी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती, जबकि उनकी बेटी और मैं एक साथ गर्भवती हुए, लेकिन ये तो सच है, वह अपनी बेटी को ही प्यार करेंगी, मुझे नहीं, और ना वो मुझे मेरे मन का कुछ खाने देंगी। मेरा भी बाहर का चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन माँ जी को मेरी फिक्र कहाँ। मैंने उनसे अपने मायके जाने की बात पूछी तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, लेकिन अपनी बेटी को अपने पास बुला लिया। मनीषा ये पहली बार महसूस नहीं कर रही थी, माया की गर्भवती बहू और गर्भवती बेटी होने के बाद वह दोनों में बहुत फर्क करने लग गई। उसने जितनी सुविधाएं अपनी बेटी को दी हैं, उसने उतना बहू को सुविधाएं देने की सोची भी नहीं है, ना कभी प्यार से देखभाल की, ना उसके मन का हाल पूछा, बस हमेशा अपनी गर्भवती बहू पर हुक्म चलाए है। यदि वो कुछ खाने का मंगाती थी तो उसके हाथ से छीन कर कहती थी, अरे बहू, तुझे बाहर की चीजें खाने की क्या जरूरत है, बच्चे पर गलत असर हो जाएगा, ये ले तू गाजर का जूस पी, बच्चे के लिए फायदा करेगा। जी माँ जी। इस तरह माया अपनी गर्भवती बेटी का ख्याल रखती है, ना कि गर्भवती बहू का। दोनों का 9वां महीना लग जाता है, जिसमें ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत थी। शाम को घर पर एक ट्रेनर आता है, जो कि गर्भवती औरतों को उनके मुताबिक स्वस्थ बच्चे के लिए व्यायाम करवाता है। माया अपनी बेटी को व्यायाम के लिए बुलाती है तो वो कहती है, अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं अपने आप कर लेती,
अरे ऐसे कैसे, बच्चे और तेरे दुरुस्त रहने के लिए ये तो जरूरी है। चल ये तुझे व्यायाम करवाएंगे। अरे माँ भाभी को भी बुलवा लो, वो भी तो गर्भवती है, मेरे साथ ही एक्सरसाइज कर लेंगी। अरे नहीं नहीं उसे क्या जरूरत है, वो तो घर के सारे काम ऊपर से नीचे इधर उधर जाकर करती रहती है, तो उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। तू नहीं करती तो अपना ख्याल रखना, उसकी बात मत किया कर, हर वक्त देखो भाभी भाभी भाभी, तुझसे ज्यादा खाती पीती रहती है वो। सास की ऐसी बातें सुनकर मनीषा की आंखों के आंसू कतरे की तरह बहने लगते हैं। माँ जी को कभी मेरी परेशानी समझ नहीं आती, पता नहीं वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, पर जब मुझे पता है तो मुझे माँ जी से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। तभी ट्रेनर आराम आराम से काव्या को एक बॉल के सहारे एक्सरसाइज करवाता है। फिर उसके जाने के बाद माया एक कपड़े से उसका माथा पोंछकर उसे जूस पीने को कहती है। माँ कितना खिलाते पिलाते हो, बस मन नहीं है मेरा। अगले दिन मनीषा को लेबर पेन शुरू हो जाता है, तभी सब उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डिलीवरी डेट से पहले मनीषा को लड़का होता है। वहीं दूसरी ओर काव्या को भी लेबर पेन होता है और वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। तभी शिवाय कहता है, शुक्रिया डॉक्टर, मनीषा और बच्चे स्वस्थ तो है ना, पर इतनी जल्दी कैसे हो गई, इसलिए मैं बाहर था काम से। वही मैं आपको बताना चाह रहा था, आपकी पत्नी काफी नाजुक हालत में है, ऑपरेशन होते होते बचा है, बच्चा भी काफी वीक है, शायद उन्हें खाने पीने को ठीक से कुछ नहीं मिला, अगर लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो आपके बच्चे को खतरा हो सकता था। आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं मिस्टर शिवाय? नहीं नहीं डॉक्टर, मैं तो अपनी बीवी के लिए सब कुछ खाने पीने के लिए लाया था, ऐसा कैसे हो गया? माँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैंने तो आपसे कहा था ना कि काम के सिलसिले से मैं बाहर हूँ, तो आप उसका ख्याल रखना, सारे ड्राई फ्रूट ताकत की चीजों के पैसे मैंने आपको दिए थे। बेटा ये सब गलती मेरी है, मुझे माफ कर दे, मैंने जितना ख्याल काव्या का रखा उतना मनीषा का नहीं रखा, क्योंकि मैं बहू और बेटी में फर्क कर रही थी, मुझे माफ कर दे बेटा, लेकिन अब मैं अपनी बहू और पोते का अच्छे से ख्याल रखूंगी। माँ मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तभी माया वार्ड में जाकर अपने पोते से भी मिलती है और नातिन से भी, फिर बहू के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मनीषा बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत नाइंसाफी की है, मेरे जैसे लोग बहू और बेटी में फर्क करना छोड़ दे तो ऐसी नौबत किसी के साथ भी ना आया करेगी। कोई बात नहीं माँ जी, आखिर सबक तो गलती करने के बाद ही मिलता है, भूल जाइए। इस तरह माया अपनी बहू से माफी मांग लेती है। कुछ दिनों बाद चारों हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाते हैं और नए बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।